नमस्कार दोस्तों, अर्लीवुड पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो पूरे विश्व का, देश का तो नंबर वन वीडियो है ही, ये वीडियो दोस्तों पूरे वर्ल्ड में तहलका मचाने वाला वीडियो। वीडियो को ध्यान से देख लेना, आपसे हाथ जोड़कर, पैर जोड़कर, सारा जोड़कर रिक्वेस्ट कहोगे कैसे, क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरे विश्व में जो समस्या चल रही है, लोन का, क्रेडिट कार्ड का, डिफॉल्ट का, केस का, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन, सारी समस्या का समाधान बताने जा रहे हैं। बस दिल थाम के वीडियो को में चिपक के बैठ जाइए, शांति से बैठो, माइंड को खाली कर लेना कुछ भी चल रहा हो तो। बस इस वीडियो में टकटकी लगा के देखेगा, आंख जितना आपका खुला हुआ है आज इस वीडियो में, आंख का जो दोनों का ऊपर नीचे का जो पल है, ठीक है जी, वो दोनों उनसे ज्यादा खुल जाएगा, अपने आप खुल जाएगा। साथ ही साथ कान भी आप लोगों का चौकन्ना हो जाएगा बहुत ज्यादा। कहोगे कैसे, उसके लिए तो दोस्त वीडियो देखना पड़ेगा। मैं पहले ही हाथ जोड़ लिया हूं, पैर जोड़ लिया हूं, रिक्वेस्ट कर लिया हूं, वीडियो को देख लो। सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन, जो चाहते हैं, जेल होगा कि नहीं होगा, किस किस केस में, और मैं इस पर भी बता चुका हूं, निर्मला सीतारमन जी ने क्या कुछ कर रखी है इस पर भी बता, लेकिन फिर भी इस वीडियो में बात करें। और सबसे बड़ी बात होगी नितिन गडकरी साहब के बारे में, ठीक है जी, और उनसे भी बड़ी बात होगी दोस्तों, ईएमआई पर सबसे बड़ी राहत और सरकार और आरबीआई की बहुत बड़ी घोषणा के साथ साथ लोन एनपीए डिफॉल्ट खत्म किस तरह से होगा, ये सब बात करेंगे। ये सब क्या है दोस्तों, मोरेटोरियम ही से ही सब, सारा का सारा सिचुएशन मोरेटोरियम से इंटरलिंक है। मोरेटोरियम को समझने में आपको पीएचडी से भी आगे जो कुछ भी डिग्री होगा वो भी करोगे तो ही मोरेटोरियम को नहीं समझ पाएंगे, ठीक है, लेकिन इसके लिए सिर्फ अर्लीवुड देखना पड़ेगा तो ही आप मोरेटोरियम को समझ पाएंगे। चलिए जी, वीडियो में बने रहना दोस्तों, हिलडोल मत कीजिएगा। चलिए सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अर्लीवुड को यहां से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी व्यक्ति फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं, देश ही नहीं पूरे विश्व का नंबर वन चैनल है दोस्तों अर्लीवुड, और यहां आप अपने भविष्य को संवार सकते हैं, भविष्य बना सकते हैं। वीडियो को ध्यान से देखे रहिए, देखते जो मैं बात इस वीडियो में बताने वाला हूं, पूरी दुनिया में नहीं यार, किसी ग्रह पर नहीं मिलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ अर्लीवुड एक भारत इंडियन चैनल पर ही मिलेगा और दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। कहोगे ऐसी क्या बात है सर, जल्दी से बता दो। दोस्तों सबसे बड़ी बात अब इस वीडियो में करने जा रहे हैं, वीडियो में करने से स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात सुन लो, देख लो इधर, जो अभी आप इस वीडियो में जानेंगे। कहोगे सर ऐसा क्या चीज है इस वीडियो में, ये पूरे यूनिवर्स का नंबर वन वीडियो है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, ये देखिए यहां पर क्या लिखा है। यहां पर आपको तो पता ही है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ मामला हुआ और फाइनेंस मिनिस्ट्री में क्या कुछ मामला हुआ, कितने सारे स्कीम सब बताए, लेकिन अभी जो जानिएगा आप दोस्तों, सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन, क्रेडिट कार्ड, जेल, क्रिमिनल एक्शन, इन सभी चीजों पर आने वाले वीडियो में बात करें, लेकिन इसमें भी शॉर्ट में बात करें। सबसे बड़ी समस्या का समाधान नितिन गडकरी साहब के बारे में बात करेंगे, जो इन्होंने, नितिन गडकरी साहब ने लोन मोरेटोरियम एक्सटेंशन, देश में सबसे बड़ी समस्या का समाधान नितिन गडकरी साहब ने ओपनली खुले प्लेटफॉर्म पर दी है। यदि आप इस चीज को फॉलो कर लोगे तो अर्लीवुड तो आपको सारा चीज बताता ही आया है, लेकिन आपकी जिंदगी की सारी समस्या खत्म हो जाएगी और अर्लीवुड आपकी सेवा में हाजिर है। दोस्तों चलो जी, अब यहां से वीडियो को कर देते हैं स्टार्ट, और हम लोगों के पास ऐसा ऐसा सॉल्यूशन है जो पूरी दुनिया का यार पूरे कहीं भी नहीं मिलने वाला। कहो कैसे सर, कॉल करके, एसएमएस करके, व्हाट्सअप करके अर्निंग करने के लिए आता है आपको, आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, कभी आता है, नहीं आता है। कॉलिंग करके लोग पैसा कैसे कमाते हैं, एसएमएस करके कैसे कमाते हैं, व्हाट्सअप पर पैसा कैसे कमाते हैं, आता है, नहीं आता है। तो अभी इस वीडियो को देखते रहना, जिंदगी बदल जाएगी दोस्तों, और आप ये जिंदगी भर खुश रहोगे, और पूरी दुनिया में जितनी भी चैनल देखते होगे सारे चैनल भूल के अर्लीवुड पर आ जाओगे, ठीक है जी। चलो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपका अपना प्यारा चैनल, देखिए सभी लोग दोस्तों परेशान कहाँ पर हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और सबसे ऊपर और कमेंट सेक्शन में भी सबसे ऊपर हम लोगों की ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ, इस वेबसाइट को ओपन कर लीजिए। वीडियो में हिलडोल मत करना, क्योंकि जो मैं बात बताने वाला हूँ वो बात आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। वीडियो को, वेबसाइट को ओपन कर लीजिए, ओपन करोगे तो दोस्तों अर्लीवुड भारत सरकार के द्वारा अप्रूव्ड और प्रमाणित स्टार्टअप कंपनी है, जो आपकी सेवा में 24 घंटा राउंड द क्लॉक 24/7 365 अवेलेबल है। चलो ये सब बात होगी, अब बात करते हैं दूसरा जो सबसे बड़ी समस्या क्या है। सबसे बड़ी समस्या दोस्तों लोन है, और सबसे बड़ा समाधान भी लोन है। क्या आपको पता है, जब आपके पास पैसा नहीं होता है, बिजनेसमैन चाहे अंबानी जी हो, टाटा बिरला, ABCD, या दुनिया का जेफ बेजोस हो, या फिर बिल गेट्स हो, कौन सा ऐसा आदमी है जिन्होंने लोन लेके अपने बिजनेस को नहीं बढ़ाया है, ठीक है जी। और सबसे बड़ा समाधान लोन है, और सबसे बड़ी समस्या भी लोन है,
क्योंकि जब आप आपकी इनकम रिकरिंग बेसिस पे आती रहेगी तो जाके आप अपने लोन की ईएमआई सही से भरेंगे। जैसे इनकम आना बंद वैसे डिफॉल्ट होना शुरू। डिफॉल्ट का नाम मतलब हो गया समझ लो, जब रेगुलरली नहीं भरोगे तो एनपीए होता जाएगा और ये आपके लिए सरदर्दी ही नहीं जेल के हवालात तक भी पहुँचा सकता है और आपका घर हो, कंपनी हो या जो भी आपने कोलेटरल रखा है वो सब भी जा सकता है। यदि आपका इंटेंशन, ध्यान से सुना, मैं एक वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पर, इंटेंशन, और ये इंटेंशन चाहे सिक्योर लोन हो या अनसिक्योर लोन हो, और इस सिक्योर और अनसिक्योर लोन में सभी लोन आ गए, ठीक है जी। ये दोनों के केस में के लिए मैं बात बता रहा हूँ। इस पर निर्मला सीतारमन जी ने बहुत आज से कुछ टाइम पहले, एक दो महीने पहले हमने वीडियो बनाई थी, याद है, ठीक है, बताया था, ठीक है जी, इसलिए गलत फहमी में मत रहिएगा। चलिए जी, अब बात करते सबसे बड़ा समाधान क्या है। सबसे बड़ा समाधान दोस्तों, सबसे पहले ये बताइए हम सभी लोगों ने क्या लिया, लोन लिया, क्रेडिट कार्ड लिया, ओडी लिया, सीसी लिया, और जो कुछ भी ले लिया वो भी बोल दो, ठीक है, ले लिया। लेकिन इसके बाद जो है दोस्तों क्या हो रहा है, अभी की जो सिचुएशन चली सभी लोग मालूम है, लेकिन लोग क्या हो, दिक्कत कहाँ आ रही है, दिक्कत आ रही है दोस्तों ईएमआई हम लोग भर नहीं पा रहे हैं। लोगों की समस्या इतनी है, गंभीर है, जो उसको फैमिली की प्रॉब्लम है, मेडिकल इशू है फैमिली प्रॉब्लम है, जॉब लॉस है और अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है जी, बिजनेस लॉस है, बिजनेस डाउन है। तो इन सभी का इम्पैक्ट कहाँ पड़ रहा है, इन सभी का इम्पैक्ट उन व्यक्ति के ऊपर, उन कंपनी के ऊपर, उन एंटिटी के ऊपर, उन एनजीओ के ऊपर पड़ रहा है, या उन सभी लोगों के ऊपर पड़ रहा है, या चाहे वो इंडिविजुअल हो या कॉरपोरेट हो या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, उन सभी के ऊपर पड़ रहा है जिसका इनकम डाउन हुआ है और जो अपनी ईएमआई को नहीं भर पा रहे हैं, चाहे वो सिक्योर लोन हो, अनसिक्योर लोन हो, ठीक है जी। तो अब उनसे क्या असर पड़ रहा है, जब ईएमआई को जब आप भरेंगे नहीं, जब ईएमआई का पेमेंट नहीं होगा तो फिर क्या होगा दोस्तों, फिर तो असली वाली समस्या खड़ा हो रही है। असली वाली समस्या, अब नहीं भर पा रहे हैं तो क्यों नहीं भर पा रहे हैं, इसका दो रीजन है, ईएमआई नहीं भरने का दो रीजन है। एक रीजन है इंटेंशन आपकी, और दूसरा रीजन है ड्यू टू एनी काइंड ऑफ नेचुरल डिजास्टर, और किसी तरह का जैसे कोविड-19 वाला सिचुएशन आ गया, कोई नेशन वाइड क्राइसिस हो गया, जैसे कोविड-19 हो गया जो देश पूरे विश्व भर में तहलका हिला, विश्व भर को नुकसान पहुंचा कर रख दिया, ठीक है। एक तो ये वजह हो गया, दूसरा इंटेंशन। अब देखो दूसरी बात क्या है, इंटेंशन की बात आती है यहां पर। अभी हिल डोल मत करना, क्योंकि अभी मैं नितिन गडकरी साहब पर आने वाला हूं, ठीक है जी। यहां पर होता है इंटेंशन, यदि आप इंटेंशनली चाहे सिक्योर लोन हो और सिक्योर लोन हो आप उसको पे नहीं कर पा रहे हैं, वो क्रिमिनल एक्शन आपके अगेंस्ट लिया जा सकता है, ध्यान से सुनना। यदि आप इंटेंशनली आप नहीं पे कर पा रहे किसी भी लोन को, क्रेडिट कार्ड को, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कर दिया, फंड का डायवर्जन कर दिया, फंड लिया आपने मेडिकल इमरजेंसी बता करके, और मेडिकल इमरजेंसी नहीं बता करके कहीं और डायवर्जन कर दिया, और आपके पास इसका मेडिकल का कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है, फ्रॉड बिल लगा दिया आपने, समझ रहे बात को, जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो वहां पर आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और आपको जेल तक की हवा खानी पड़ सकती है। ये हो गया, मैंने क्या बताया, इंटेंशनली आपने लोन का, फंड का कहीं डायवर्जन कर दिया, ठीक है। अब देखिए, जो यदि जैसे नेशन वाइड कोई डिजास्टर है, कोई इशू क्रिएट हो गया जिसकी वजह से आपका बिजनेस व्यापार चौपट हो गया, ठीक है, आप नहीं पे कर पा रहे हैं, यहाँ एक अलग मैटर है, ठीक है जी। अब सबका समाधान के लिए क्या उपाय है, सबका समाधान के लिए ध्यान से देखिएगा, भारत सरकार, देखो यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गया, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गया, RBI हो गया, ठीक है जी, इन सभी ने मिलकर क्या किया, भारत सरकार ने निकाला दोस्तों, आपको मालूम है 2020 में ECLGS स्कीम, ठीक है, और इसका दोस्तों 1.0 से लेकर ये अभी 4.0 वर्जन चल रहा है। अब ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का भी यही हो गया। अब दूसरी बात है RBI का, RBI ने इस पर क्या किया, M1 निकाला, M2 निकाला, इसके बाद दोस्तों M3 बोले तो यहाँ पर M3 में आ जाता है रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 1.0, और M4 में आ जाता है दोस्तों आपका रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0, समझ में आ गई बात आपको। अब RBI का RF 2.0 जो है, रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0, इसके तहत आप क्या कर सकते हैं, 2 ईयर्स का मॉरेटोरियम और 2 ईयर्स का रीस्ट्रक्चरिंग ले सकते हैं, ठीक है जी। ये सब क्या है, ये लोन पर राहत लेने का ही तरीका है, और इस तरीका में क्या होगा, जब आपको मोरेटोरियम मिलेगा तो क्या होगा दोस्तों, उतने टाइम तक, यानी मोरेटोरियम का एक लाइन में मतलब समझिए, रोकना उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए रोकना इज नोन एज मोरेटोरियम, ठीक है जी। और मोरेटोरियम किसी भी चीज़ पर लगाया जा सकता है, ठीक है। आपको ईएमआई पेमेंट पर RBI ने क्या बोला, 2 साल तक मोरेटोरियम ले लीजिए,
तो ये क्या हो गया, ईएमआई मोरेटोरियम हो गया। अब मोरेटोरियम पीरियड में क्या होता है, आपको ईएमआई पे करने की तो जरूरत तो होती नहीं है यदि बैंक या एनबीएफसी ने आधिकारिक रूप से, मैंने क्या बोला यहां पर, आधिकारिक रूप से ऑफिशियली आपने अप्लाई किया और आपको मोरेटोरियम ग्रांट कर दिया तो आपको ईएमआई तो पे करने की जरूरत होगी नहीं। लेकिन जैसे ही मोरेटोरियम पीरियड खत्म होगा वैसे ही आपको ईएमआई पे करना पड़ेगा रेगुलर तरीके से। लेकिन इस पीरियड में जो इंटरेस्ट, ध्यान से सुनिएगा यहाँ जो मैं बात बता रहा हूँ, इंटरेस्ट हो गया, यहाँ इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इसको बोलते हैं, पेनल इंटरेस्ट, पेनल का मतलब क्या होता है, जुर्माना होता है, पेनाल्टी होता है ना, क्यों लगता है ये, यदि आपने लोन की या क्रेडिट कार्ड की किसी चीज़ की ईएमआई आप बनवाई और वो पे नहीं करोगे तो आपको उस पर पेनाल्टी देना पड़ेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, ठीक है। अब जो इधर लगेगा तो उसके ऊपर जीएसटी वगैरह भी लगेगा, और जब आप इन सभी चीज़ को नहीं चुका पा रहे हैं और आप मोरेटोरियम में रीस्ट्रक्चरिंग अप्लाई करते हैं तो उस केस में क्या होगा, उस केस में दोस्तों क्या होगा, बताओ गुरु क्या होगा, उस केस में बैंक लेने के लिए आपको मोरेटोरियम या रीस्ट्रक्चरिंग देने के लिए प्रोसेसिंग फीस भी चार्ज करेगी। समझ गए बात को, ठीक है जी। अब यहां तक बात हो गई, अब इन सभी को जब आप मोरेटोरियम या रीस्ट्रक्चरिंग लोगे ये सब को उठा के बैंक क्या करेगा, आपका जो प्रिंसिपल वाला कॉर्पस है, प्रिंसिपल जितना बचा उसमें जोड़ देगा। समझ गए बात को, जोड़ देगा तो आपका ये प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल पहाड़ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये पहाड़ बन जाएगा। इसका मतलब प्रिंसिपल जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब ये इनसे यानी कहने का मतलब क्या है दोस्तों, देयर इज नथिंग इन फ्री, फोकट में इस दुनिया में कुछ भी नहीं देता यार, कोई भी नहीं देता, चाहे बैंक हो, गवर्नमेंट हो, एनबीएफसी, जो कुछ भी हो। बैंक एनबीएफसी क्या है इसको समझो पहले, ध्यान से सुनो। अब दो पॉइंट पर मैं बात करूंगा, देखिए इस चीज़ को, प्रॉफिट को समझने के लिए आपको दो चीज़ पर बात करना, एक होता है दोस्तों एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा हो गया कंपनी, नॉन एनजीओ में बहुत सारा पॉइंट हो, ये क्या करता है, ये डोनेशन पर काम चलता है, ये चलता है डोनेशन पर। और कंपनी जो होती है दोस्तों ये ऑलवेज वर्क ऑन द प्रॉफिट दोस्तों, ये काम करता है हमेशा प्रॉफिट पर। प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, ये जो इनके पास जो, चाहे बैंक क्या है दोस्तों, बैंक बताओ क्या है, बैंक के आगे देखे हो ना, जैसे HDFC बैंक लेते हैं, HDFC बैंक लिमिटेड लगा हुआ है यहां पर, SBI कार्ड जो है, या SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, SBI का क्रेडिट कार्ड इशू करती है ना, देखते होगे SBI CPPL, SBI कार्ड पेमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, अब इसका IPO वगैरह भी है, लिमिटेड वगैरह भी, वो सब देख लेना, ठीक है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, जितने भी बैंक है उन सभी बैंक के लास्ट में लिखा रहता है लिमिटेड, और इनका जो सब्सिडरी या सिस्टर कंसर्न कंपनी होती है वहां पर क्या लिखा रहता है दोस्तों, प्राइवेट लिमिटेड हो गया, कई सारे लिमिटेड भी हो गया। व्हाट इज मीन बाय दिस, इसका मतलब ये हुआ जो जितने भी बैंक है वो ऑलवेज वर्क फॉर प्रॉफिट, नेवर वर्क फॉर लॉसेस, और जब कभी लॉस हो गया तो वो अलग बात है, लेकिन इन्होंने अपना पब्लिक, यानी जो पब्लिक सोसाइटी की सर्विस है इसके लिए इन्होंने अपना क्या कर रखा है, HDFC वेलफेयर फंड हो गया, SBI वेलफेयर हो गया, ठीक है, SBI फाउंडेशन हो गया, ICI फाउंडेशन हो गया, ये क्या है, उनका वेलफेयर का डिपार्टमेंट है, समाज कल्याण का। तो कहने का मतलब समझो बात को, जो कोई भी कंपनी आपको लोन देगा, एक पैसा भी देगा दोस्तों, तो वो आपको फ्री में नहीं देगा, ठीक है जी, वो हमेशा प्रॉफिट के लिए काम करेगा, प्रॉफिट है, प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। तो अब देखो, अब जिसका भी पैसा है बैंक का, उसका तो ईएमआई भरनी पड़ेगी। अब ईएमआई का मतलब क्या होता है दोस्तों, मनी यानी फाइनेंस यानी पैसा, ये आएगा कहां से, ये इसको आने का दो ही तरीका है, एक तो है दोस्तों जॉब कीजिए, या तो तीसरा बिजनेस कीजिए। अब जॉब कीजिए या बिजनेस कीजिए तो करना तो पड़ेगा, तो ही तो पैसा आएगा। अब कहोगे तीसरा और तरीका कौन सा है, तीसरा तरीका दोस्तों बोलोगे खेती बाड़ी करते हैं लोग, क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं, FARMING फार्मिंग करते हैं, ठीक है जी। वो भी तो क्या है, फार्मिंग क्या है, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, वो भी तो एग्रीकल्चर भी एक तरह से बिजनेस है, जॉब है। जॉब का मतलब क्या हुआ, कोई भी काम जहां से आपको मॉनेटरी बेनिफिट हो रहा है, पैसा मिल रहा है, वो खेती करोगे वो भी बिजनेस है, वहां भी लोन, खेती करने के लिए भी लोग लोन लेते हैं, क्रॉप लोन लेते हैं, ठीक है जी। शॉर्ट टर्म क्रॉप हो गया, लॉन्ग टर्म क्रॉप हो गया, शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन हो गया, लॉन्ग टर्म क्रॉप लोन हो गया। बताओ इतनी सारी नॉलेज का खजाना कौन सी चैनल पर मिलता है, कौन सी दुनिया में मिलता है यार, मैं तो आज तक कोई दुनिया देखा ही नहीं हूं, ठीक है। सिर्फ अर्लीवुड की ही दुनिया ऐसी है दोस्तों जहां आपको इतनी सारी नॉलेज मिलता है जो आपको पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलेगा,
वीडियो को लाइक करके जाना, शेयर कर लेना, ठीक है जी। अब इतनी सारी मैंने बता दिया फार्म लोन के लिए। अब दूसरी बात क्या है, नितिन गडकरी साहब ने इन सभी समस्या का समाधान के लिए कौन सी बात कही है, उस पर आते हैं। लेकिन उस पर आने से पहले दोस्तों यहां पर बात करेंगे जो अर्निंग कहां से होगी, बिजनेस कैसे चलेगा। तो अर्लीवुड का एक कोर्स अर्लीवुड का है, इस कोर्स में दोस्तों अर्लीवुड अर्निंग कोर्सेज है, इस कोर्स में क्या कुछ होगा, ये कोर्स हम लोगों ने आपकी समस्या को देखते हुए यहां पर देखिए अर्लीवुड यूट्यूब कोर्स। लेकिन अब इस पर आने से पहले हम आपको लेकर चलेंगे नितिन गडकरी साहब के पास। नितिन गडकरी साहब जी देखिए यहां पर अभी नितिन गडकरी साहब ने कुछ कहा है, इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए सबसे पहले नितिन गडकरी साहब का कहना है, देखिए जी, हाउ नितिन गडकरी अर्न 4 लाख फ्रॉम यूट्यूब, व्हाट इज देयर इन हिज चैनल, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है जी। इसका आप लोगों ने भी देखा होगा, अभी भरूच में एक दिल्ली और मुंबई एक्सप्रेसवे का जो एक समारोह था, ठीक है, जहां पर नितिन गडकरी साहब ने बोला जो हमें यूट्यूब 4 लाख रुपया महीना देता है, हमें यूट्यूब 4 लाख रुपया महीना पेमेंट करता है, तो आखिर यूट्यूब के पास ऐसा कौन सा तरीका है जिससे आदमी 4 लाख, एक मिनिस्टर जो हमारे देश के सम्माननीय मंत्री साहब हैं, ठीक है, सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय, समझ के बात को हिंदी में बोल लो इसको। तो अब देखिए कहने का मतलब क्या है, गडकरी साहब क्यों बोल रहे हैं, इतनी बड़े प्लेटफॉर्म पर इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, इसके पीछे का कोई ना कोई तो लॉजिक होगा, कोई ना कोई तो रीजन होगा, ऐसा कौन सा रीजन है, अब आप इस बात को समझिए, ठीक है जी। नितिन गडकरी साहब बोल रहे हैं हमें यूट्यूब से भी 4 लाख रुपया महीना की अर्निंग आ रही है, और एक आप समझ लो बात को कितनी बड़ी बात हो रही है, ठीक है। तो अब जब आपकी अर्निंग यूट्यूब से भी आती है, नितिन गडकरी साहब 4 लाख रुपया महीना यूट्यूब से आता है, और भी बहुत सारे दुनिया में लोग आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, जो हर कोई यूट्यूब से कोई 4 लाख रुपया महीना कमाता, कोई 10 लाख रुपया महीना कमाता, कोई 50 लाख रुपया महीना कमाता, कोई करोड़ों रुपये महीना कमाता, कोई अरबों रुपये भी कमाता है, क्या आपको पता है? यदि नहीं पता है तो इन सभी चीज़ों को जानने के लिए अभी बात करते हैं, ठीक है जी। इसको पढ़ लीजिएगा, या आपको अधिक जानकारी के लिए इधर गूगल पर जाना, गूगल कर लेना, आंख खुली की खुली रह जाएगी आपकी, जो मैं कितनी दिनों से, ये देखिए एनबीटी का भी अपडेट है, मैंने एचटी का बताया, यहां पर देखिए गडकरी साहब यहां पर हर महीने यूट्यूब वीडियो से लाखों कमा रहे हैं, गडकरी साहब खुला राज, गडकरी साहब ने अपनी राज की बात खोल दी, दिल की बात खोल दी, समझ गए बात को। अब मुद्दे की बात क्या है दोस्तों, मुद्दे की बात यह है, आपको आपकी लाइफ का विजन, आपको लाइफ का फोकस, टारगेट आपको फिक्स करना पड़ेगा। आप सोचोगे आज आए और आज ही हम करोड़ों अरबों रुपए कमा लें, दोस्तों सपने में भी मत सोचना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसके लिए आपको सही डायरेक्शन, सही मार्गदर्शन, सही राइट वे आपको मालूम होना चाहिए, और आपको करना क्या है, ठीक है जी, ये सब। तो अब आप यहाँ पर देखिए, हम लोगों का यूट्यूब का कोर्स है यहाँ पर 599 का, यहाँ से स्टार्ट कर लीजिएगा, और इस पर अभी आगे बात करते, ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या कुछ है। लेकिन इस पर जाने से पहले, आपको डिटेल बताने से पहले यहाँ पर देख लीजिएगा, 100 पर हम लोगों का जो कोर्स है दोस्तों, ये कोर्स आपको यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या है, 100% प्रैक्टिकल कोर्स है, बिना किसी थ्योरी का, हम लोग कोई थ्योरी वोरी पर बात ही नहीं करेंगे, 100% प्रैक्टिकल आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा, 100% प्रैक्टिकल, नो थ्योरी, और 100% की गारंटी है, जो आपने यदि ये सारा कुछ कर लिया तो आपकी लाइफ जो है सही डायरेक्शन में चलने लगेगा, और आपका लोन फिर क्या होगा दोस्तों, ध्यान से सुनना अब जो मैं बात बता रहा हूँ, आपका लोन की ईएमआई क्या हो जाएगी, आपकी लोन की ईएमआई रेगुलर हो जाएगी, आप रेगुलर पे करोगे। जब आपका लोन रेगुलर पे करोगे तो क्या आपका लोन कभी सपने में भी डिफ़ॉल्ट आएगा, डिफ़ॉल्ट वाला सपना आएगा, कभी नहीं आएगा। जब ये नहीं आएगा तो फिर और क्या नहीं आएगा, और एनपीए होने का भी सपना नहीं आएगा। जब एनपीए होने का भी सपना नहीं आएगा तो फिर क्या होगा, फिर होगा जो आपका जिसका सिक्योर लोन चल रहा है तो वो टेंशन मुक्त हो जाएंगे, चिंता मुक्त हो जाएंगे। जब चिंता मुक्त होंगे तो क्या आपको घर परिवार का चिंता सताएगा, जो मेरा घर डिफॉल्ट हो गया, गाड़ी उठाकर लेके चला जाएगा, टेम्पू उठाकर लेके चला जाएगा, बस ट्रक लेके चला जाएगा, तो हम कैसे अर्निंग करेंगे, समझ बात को, नहीं होगा फिर चिंता होगी किसी चीज़ की, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपके पास मोबाइल है, दुनिया का सबसे पावरफुल डिवाइस हम बोल सकते हैं मोबाइल को, और मोबाइल में ऐसा इनोवेशन है आपके मोबाइल में, आप लोग सही इस्तेमाल मोबाइल का सपने में भी नहीं करते, या सही इस्तेमाल जिसने भी कर लिया उसकी लाइफ जो है सही डायरेक्शन पर चल दी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अर्लीवुड का कोर्स ज्वाइन कर लो, दुनिया का जितने भी कोर्स आपने ज्वाइन करी होगी ना, वो सारे कोर्स अर्लीवुड के कोर्स के सामने में फेल है, यहाँ लिख लो गारंटी, यार लिख देता हूँ, 100%
सारे कोर्स फेल है, सिर्फ अर्लीवुड का कोर्स हमेशा जिंदाबाद है। यहाँ हम लोग आपको प्रैक्टिकल बताएंगे और एक जैसा मैंने बताया वैसा यदि आपने कर लिया पहले वीडियो पे ही आपको इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा जितना आपको सपना में भी सपना होगे तो भी नहीं मिलेगा यार, ठीक है। अब देखिए कौन सा कोर्स है, कोर्स पर डिटेल बात करते हैं। देखिए अर्लीवुड यूट्यूब कोर्स है 599-600 रुपये से, अर्लीवुड की वेबसाइट और ब्लॉग कोर्स है 599-600 रुपये से। इसमें क्या आपको तो मालूम है यूट्यूब से पैसा कमाते हैं, वेबसाइट ब्लॉग से कमाते हैं। अर्लीवुड एडवर्टाइजिंग कोर्स है। अब एक चीज़ बताओ, आपको गाड़ी चलाने नहीं आता, साइकिल चलाने नहीं आता, बस ट्रक कुछ भी चलाने नहीं आता, तो क्या आप बिना चलाने के लिए आता नहीं है, आपके पास भले ही कितना पैसा हो आप चलाने के लिए आता नहीं है, चलाने के लिए जाओगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा, हाथ पैर टूट जाएगा, दुनिया से भी हो सकता है जाना पड़ जाए, ठीक है। तो उसके पहले करना क्या पड़ेगा, आपको मैदान लड़ाई करने के लिए जाना है कहीं मैदान में। लड़ाई करने का मतलब ये नहीं यार लड़ाई झगड़ा करना, यार मैं एग्जांपल दे रहा हूँ एजुकेशन पर्पज से, ठीक है। तो आप सारे चीज़ दुरुस्त होकर जाओगे कि नहीं जाओगे, ठीक है जी। तो बात को समझिए बात को, ठीक है। तो किस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ, तो इसीलिए आप कोई भी काम करने से पहले आपको दोस्तों मालूम होना चाहिए उसके बारे में, और हमने सारी चीज़ बता दी। एडवर्टाइजिंग कोर्स है। अब एडवर्टाइजिंग अपने आप में विज्ञापन का जो मार्केट है बहुत अरबों खरबों का मार्केट है, यहाँ से भी आप ये सब सीखोगे। उसके बाद है अर्लीवुड प्लेटफॉर्म प्रमोशन कोर्स, इसके बारे में भी सीखोगे, ठीक है। दूसरा क्या है, अर्लीवुड बिजनेस कोर्स है हम लोगों के पास, ठीक है। सेल्स एंड मार्केटिंग का कोर्स है, सारा का सारा कोर्स इन हाउस है, सब हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पर आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है जी। अर्लीवुड टेली कॉलिंग और टेली सेल्स, यानी फ़ोन पर भी कॉलिंग होती है, टेली सेल्स भी होती है, लोग टेली कॉलिंग भी करते हैं प्रोडक्ट सर्विस सेल करने के लिए, वो सब भी आप सीखोगे कैसे होता है। दूसरा है टेलीकॉम कोर्स, टेलीकॉम कोर्स भी हम लोग शॉर्ट कोर्स है, इस पर भी बात करेंगे, थोड़ी बताएंगे आपको। दूसरा है दोस्तों अर्लीवुड बैंकिंग कोर्स में आपको यहाँ पर क्या है, इसमें हम लोग आपको बताएंगे लोन, क्रेडिट कार्ड, सिबिल, क्रेडिट स्कोर, इन सब के बारे में, यानी जो जानकारी आपको चाहिए हम लोग वही बताएंगे। ऐसा नहीं इधर उधर की कुछ और भी जिसका ज़रूरत नहीं है, अभी आपको जिसकी भूख नहीं भी है तो भी आप वो खा लोगे तो क्या होगा, फिर गड़बड़ी होगा, आपको टेस्ट ही नहीं आएगा। तो इसीलिए जो चीज़ चाहिए आपको हम वही चीज़ प्रोवाइड करेंगे, इधर उधर का कुछ नहीं देंगे। अर्लीवुड एफिलिएट कोर्स भी है, 599 से स्टार्ट है, ठीक है जी। इनमें से आपने यदि एक भी कोर्स कर लिया, एक नंबर का भी कोर्स कर लिया यहाँ पर अर्लीवुड यूट्यूब का कोर्स, तो आपकी समस्या तो यही ख़त्म हो जाएगी, समझ के बात को, आपकी समस्या यही ख़त्म हो जाएगी और आपकी लाइफ जो है, एक भी चीज़ यदि आपके पास आ गया ना, एक भी अर्निंग का, सपोज करो आपके पास यूट्यूब चैनल आ गया, या आपके पास वेबसाइट नहीं है, वेबसाइट आ गई, तो आपका दिमाग अपने आप चलने लगेगा दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो फिर अपने आप खुद सोचोगे तो फिर कैसे करने हैं, ठीक है। इतनी सारी चीज़ बता दी आपको। अब देखो यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें हैं जो हम लोग प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अर्लीवुड कोर्स प्राइस ये कभी भी रिवाइज किया जा सकता है, ठीक है। ये अभी ऑफर चल रही है जो अभी 599 में आप ले सकते हो, ठीक है। कभी भी रिवाइज किया जा सकता है एट द सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्लीवुड, ठीक है। 100% प्रैक्टिकल, नो थ्योरी। उसके बाद क्या है दोस्तों, अर्निंग स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, यानी अर्निंग कब से स्टार्ट होगी, फर्स्ट डे से ही स्टार्ट हो जाएगा, सेम डे से ही स्टार्ट हो जाएगा जो हम लोग बताएंगे उसको फॉलो करेंगे तो, ठीक है। उसके बाद अर्लीवुड मोनेटाइजेशन सपोर्ट, यानी यूट्यूब पर जो मोनेटाइजेशन होता है उसका भी हम लोग सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। वेबसाइट ब्लॉग से अर्निंग कैसे करेंगे, मोनेटाइज कैसे करेंगे, वो भी प्रोवाइड करेंगे। गूगल एडसेंस सपोर्ट भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे, दिक्कत परेशानी आएगी तो। यूट्यूब कॉपीराइट स्ट्राइक, बहुत से लोगों को कई बार कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया, उससे भी सपोर्ट हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, यानी गलत काम नहीं करोगे तो फिर क्यों आएगा आपके पास स्ट्राइक, ठीक है। कई बार हो सकता है सिस्टम के मिस्टेक से भी कई बार आ जाता है, वो हट जाती है, उसके लिए टेंशन लेने की हाथोबा करने कोई जरूरत नहीं जिंदगी भर, ठीक है जी। अर्लीवुड पर आ गए तो जब इतना सारा काम करोगे तो आपके पास पैसा आएगा, जब पैसा आएगा तो फिर क्या होगा, पैसा आएगा तो क्या आप ईएमआई रखोगे, नहीं रखेंगे। तो फिर जब ईएमआई भर देंगे, ओके कर देंगे ईएमआई लोन क्रेडिट कार्ड का, तो क्या कभी सपने में भी लोन आपका डिफॉल्ट होगा, जब डिफॉल्ट नहीं होगा, एनपीए नहीं होगा, तो फिर आपकी लाइफ क्या होगी दोस्तों, आपकी लाइफ हैप्पी हो जाएगी। इतना सारा काम तो करना पड़ेगा ना इतना, ठीक है। जब काम करोगे तो ही तो जाके खुश रहोगे, काम नहीं करोगे तो क्या होगा, कहाँ से होगा, बैठे बैठे कहीं किसी को पैसा आता है, कभी कोई सपने में बैठे बैठ जाओगे, बैठ जाओ सुबह से लेकर शाम तक, कहीं भी बैठ जाओ, कहीं का मतलब कहीं भी बैठ जाओ और सोचते रहो आज मेरी ईएमआई खत्म हो जाए, आज मैं ईएमआई भर दूंगा। यार कभी भर पाओगे, कभी आप बैठे बैठे नहीं भरोगे यार, आप भर ही नहीं पाओगे। सपने में ईएमआई तो डेली बढ़ता जाता है, पैसा देखते हो ना डेली, एक दिन यदि आपने वन डे का यदि डिफॉल्ट कर दी ईएमआई भरने में, एक दिन चूक कर गए, उसका भी पैसा आपको भरना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा, ठीक है। अगले दिन करोगे तो उसका भी चुकाना पड़ेगा, उससे अगले दिन करोगे उसका भी चुकाना पड़ेगा, यानी पैसा फ्री में नहीं मिलता दोस्तों, पैसे की कीमत होती है। बैंक ने आपको 10 लाख रुपीज़ दिया है तो पैसा बिकता है, अब ये 10 लाख के बदले वो आपसे 15 लाख रुपये लेगा, वो
5 लाख रुपये इंटरेस्ट लेगा और 5 लाख रुपये उसका प्रॉफिट होगा और 10 लाख रुपये तो आपको देना ही पड़ेगा। इसका मतलब क्या, पैसा बिकता है इन द फॉर्म ऑफ लोन, इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट कार्ड, इन द फॉर्म ऑफ ओडी, इन द फॉर्म ऑफ सीसी, वट एवर। ठीक है जी, ये याद रखना। इसीलिए कभी भी जिंदगी में यदि खुश रहना है तो कभी भी किसी का एक भी चीज़ या एक भी प्रोडक्ट, एक भी सर्विसेज फ्री में मत लो, फ्री में मत लो, फ्री में कोई भी चीज़ मत लो। ठीक है जी, तो इसीलिए हमेशा लाइफ में याद रखना, जो हमेशा किसी का भी कुछ भी जितने भी अमाउंट का वो आपको चाहे फ्री में देता है या रिलेशनशिप में दे दिया, कुछ भी गिफ्ट दे दिया, बदले में उतने का उसको रिटर्न कर दो, नहीं तो आपकी जिंदगी में उसका कर्ज चढ़ जाएगा जो आपको चुकाना पड़ेगा। नहीं चुकाओगे, उसके मन में ऐसी भावना आएगी, यार मैंने इसको तो ये चीज दिया था मुझे तो, और फिर वो कुछ मांगने के लिए आएगा आपसे और आप दोगे नहीं, उसके मन में गलत विचार आएगा और फिर जो है हो सकता है रिलेशनशिप भी यहां खराब हो जाती है। इतनी सारी बात आपको पूरी दुनिया में बताओ कौन आदमी बताता, कौन सा ऐसा ये बताता, कमेंट कर देना। ठीक है जी, इसी के साथ वीडियो को करते हैं फिनिश। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इतना कर लिया तो जिंदगी आपकी बदल जाएगी, यदि नहीं किया तो जिंदगी जहां पर है वहीं पर रहेगी और वो वहीं पर क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा दोस्तों, वहीं पर वो बैठा रहेगा आपकी लाइफ। समय का समय बहुत बलवान है, वक्त को पहचानिए, समय को पहचानो, ठीक है, और लाइफ में आगे बढ़ते रहो। कहते हैं ना, वक्त को जिसने पहचाना नहीं उसे मिटना पड़ा है, बच गया यदि वो तो उसे, ऐसे ही है कुछ, मैं भूल गया थोड़ा बहुत मिस्टेक, उसे फूलों से भी कटना पड़ा है, फ्लावर फूल जिससे खुशबू आती है, कोई फूल से कट सकता है, नहीं कर सकता है, लेकिन यदि बच गया इसका मतलब क्या, समय को पहचानना पड़ेगा। आपको हम लोग अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, यहाँ से आप स्टार्ट कर लीजिए, अर्लीवुड का यूट्यूब कोर्स कर लो, वेबसाइट वाला कर लो और भी एडवर्टाइजिंग का कर लो, सारा चीज़ अर्लीवुड का इनहाउस है जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है और आपको सही डायरेक्शन में लेकर जा सकता है। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं फिनिश। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। वीडियो को लाइक कर लेना और वीडियो को शेयर ज़रूर कर लेना।